नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पिछले एक महीने से दिल्ली के सरहद पर किसानों ने डेरा डाल दिया है। किसान और सरकार के बीच बातचीत को लेकर के लेटर घूम रहे हैं। दोनों पक्ष बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी बात से पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त को जारी किया है। अब पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के ट्रांसफर कर दिए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के किसानों से संवाद किया, तो साथ ही किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष की जमकर खिंचाई की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने हमलावर होते हुए आंदोलन को इवेंट भी करार दिया और ये कहा कि आंदोलन अपने मुद्दों से भटक गया है। पीएम ने विपक्ष पर किसानों को लूटने, उन्हें उनके हक से दूर रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो साथ ही अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए किसानों के अच्छे दिन को लाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से बातचीत के टेबल पर आने की अपील की और ये कहा कि सरकार हर पहलू पर खुले मन से समाधान निकालने के लिए तैयार है, बस किसान बात तो करें। किसान और सरकार के बीच रुकी हुई बातचीत का जिम्मेदार विपक्ष को भी ठहराते हुए पीएम ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने नकार दिया है, वो अपना एजेंडा चलाने के लिए सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी के करीब 80 मिनट के संबोधन पर कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए देर नहीं की। अब कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम के कार्यक्रम पर अपनी इसको सफाई अभियान करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जब अपराध बड़ा होता है तो सफाई भी बड़ी देनी पड़ती है। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर किसानों से सरकार के साथ संवाद करने की अपील की, तो वहीं पूर्व सीएम ने कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया। लेकिन इस बीच सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों ने पीएम मोदी के भाषण और कृषि मंत्रालय की चिट्ठी पर शनिवार को मंथन करने की घोषणा भी कर दी। अब ऐसे में जहां सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वो बैकफुट पर नहीं जाएगी, तो क्या किसान अब अपनी रणनीति में बदलाव करके समाधान के रास्ते की ओर कदम बढ़ाएंगे? और आज इसी पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई, तो फिर केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी विपक्ष पर किसानों के सहारे राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर पलटवार किया। आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब आंदोलन भटक गया है। ये लोग कुछ लोगों के पोस्टर लगाकर उन्हें रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं टोल को खाली कर दो। अब किसान आंदोलन के नाम पर कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। केरल के अंदर उनकी सरकार, इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर नाच करते थे उनकी सरकार, केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे? हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड
रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं, किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है, जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे, और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। पीएम के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी लगातार किसानों को समझा रहे हैं। अब एक बार फिर कृषि मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता किसानों के बीच जाकर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसान सम्मान निधि योजना को दुनिया की सबसे बड़ी किसान योजना बताया। पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनुमानित किसान पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस स्कीम को ज्वाइन कर ले तो एक साल में 4,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के किसानों को मिल सकता है, जिससे वो आज वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी और कल भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम को ज्वाइन करें, जिससे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। स्वाभाविक रूप से जो किसान आंदोलन का स्वरूप आज मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है, उसमें साफ तौर पर ये लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उनको ये आंदोलन एक मंच के रूप में दिखाई दे रहा है, और इस मंच का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। सरकार जहां एक तरफ केंद्रीय कृषि कानूनों को किसानों के लिए संजीवनी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कृषि कानूनों को किसानों के लिए श्राप बता रहा है और किसानों के साथ अन्याय होने की बात कह रहा है। 31 दिन से हाड़ पिंगलाती और रूह कपकपाती सर्दी में देश का अन्नदाता किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहा है। अब तक 44 किसानों की शहादत हो चुकी, मगर पूंजीपतियों की पिछलग्गू मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजता। जाहिर है किसान आंदोलन को एक महीना पूरा हो चुका है और इस महीने में सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। अभी भी सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दोबारा भेजा गया है, लेकिन बात बनती अभी तक नजर नहीं आ रही। किसानों का कहना है कि वो संशोधन नहीं बल्कि कानून वापसी चाहते हैं, और इससे कम पर वो कतई मानने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वाकई में बेहद अहम है, और देखना यह है कि इसका जो रास्ता है वो निकलता कैसे है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री की भी तरफ से सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा गया, तो विपक्ष भी आज हमलावर अंदाज में नजर आया है। आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें, उससे पहले आज के अहम सवाल, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि सरकार और किसानों की वार्ता में क्या विपक्ष रोड़ा बन रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री की भी तरफ से ये बात कही गई है। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि क्या अब किसान आंदोलन भटक गया है, क्योंकि राजनीतिक मंच अब ये बन रहा है, ये बात कृषि मंत्री भी कह रहे थे और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। और तीसरा सवाल यह है कि एक महीना बीत गया है, समाधान आखिर कब निकलेगा, ये सवाल अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किसान विरोध कर रहा है और उसके बावजूद भी अभी हल होता हुआ इस समस्या का नजर नहीं आ रहा है। तो आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी, बहुत स्वागत आपका। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज राजेश जी मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए एक बार फिर से ये कहा कि बातचीत के लिए खुले मन से तैयार हैं, सरकार हर मुद्दे पर बात के लिए तैयार है,
लेकिन अब ये आंदोलन धीरे धीरे अपने पथ से भटक रहा है। आज प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया, जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, राजेश जी आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो 6 साल से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वो कभी भी आंकड़े सत्य नहीं बोलते हैं। भारत सरकार के पास आंकड़े होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं। उन्होंने आज भी ये कहा कि 9,000 से अधिक किसानों के खाते में 18 लाख करोड़ से अधिक धनराशि भेज दी गई है। वो कभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते हैं, लगभग करते हैं या अधिक भेजते हैं। रही बात ये सम्मान राशि की, हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो MSP जो है उससे हमें आधे दाम पर 30% कम पे हमें फसल बेचनी पड़ रही है। अगर हमारे MSP में फसल बिक जाए तो हम ही सरकार को दे दें। कोरोना के अंदर हमारे माननीय CM साहब ने, खट्टर साहब ने हमसे कहा कि किसान हमने दान दे अन्न, हमने उनको अन्न दान दिया। प्रधानमंत्री का थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। लेट जो कहा वो हमने किया। हम उनसे एक बात कह रहे हैं कि हमारी बात तो सुन लो, अपने मन की बात आप कर रहे हो, हमारे मन की बात तो सुन लो। हम ये कहते हैं कि हमारी जो फसल है, जितनी हम पैदा करते हैं उस फसल को हमें MSP पर खरीद लो, उसकी गारंटी वो कानून बनाकर दे दो। क्योंकि हमारी जो फसल है वो भी वो पूरे रूट पर खरीद नहीं पाते हैं और MSP तो मिलती नहीं हमें। हमें ये खैरात नहीं चाहिए कि 2,000 रुपए देकर हमें भिखारी बना देते हैं। प्रधानमंत्री की ये मंशा है कि जो किसान है वो रास्ता भटक जाए और वो भिखारी बनकर इनके पितरों को बनकर इनके गुलाम बन जाए। हम 30 दिन से आपके चैनल पे यही कहते आ रहे हैं कि हमें सरकार का गुलाम नहीं बनना, हमें पूंजीपतियों का गुलाम नहीं बनना। हम किसान हैं, जमीन खोद कर अन्न पैदा करते हैं, तो हमें उसी राशि में रहने दीजिए। हमारा जो काम है हमें वो करने दीजिए। हमारी जो फसल है जितनी हम पैदा करते हैं उसको सिर्फ MSP खरीद लें, वही हमारे लिए बहुत है। हमें सरकार से किसी खैरात की कोई जरूरत नहीं है। अरे उंगली मत दिखाना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बाद में दिखा देना उंगली। राजेश जी देखिए, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ठीक है, देखिए आपकी आपत्तियां हैं और उन आपत्तियों को आइडेंटिफाई करना सरकार का काम है, उसको सरकार करे। लेकिन राजेश जी मुझे ये बताइए, क्योंकि ये तो बिल्कुल बात सही है ना, और ये बात तो आप भी मानते हैं क्योंकि आप एक किसान नेता है, क्योंकि अगर पुरानी व्यवस्था राजेश जी बेहतर होती तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। होना क्या चाहिए किसान के लिए? राजेश जी किसान के लिए क्या होना चाहिए, मैं चाहूंगा थोड़ा ये भी बताते चले ना, तो ये स्पष्ट हो कि आप लोग क्या चाहते हैं। और किसान के लिए जब तक नई व्यवस्था होगी नहीं, क्या किसान उसी पुरानी व्यवस्था से उन्नति कर सकता है, ये भी समझाइए। जो नई व्यवस्था है वो तो पुरानी से खराब है। राजेश जी ये कब कह रहे हैं कि नई व्यवस्था बढ़िया है, पुरानी व्यवस्था? हम तो कहते हैं कि सरकार जो भी आई है उसने किसानों का कुछ सुना ही नहीं आज तक। अगर किसानों का पैसा मिल जाए तो किसान आत्मनिर्भर हो जाए, वो सुसाइड क्यों करें? उनके पास किस चीज की कमी है? सरकार उनको जो भी सरकार पड़ती है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कांग्रेस का ना बीजेपी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा जो भी सरकार पड़ती है वो किसानों को सोच रही है। सिर्फ एक लाल बहादुर शास्त्री ऐसा थे जिन्होंने किसानों की बात सुनी थी। क्या होना चाहिए राजेश जी, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ राजेश जी, क्या होना चाहिए किसानों की बेहतरी के लिए? आप किसान नेता, मुझे लगता है आपके पास कोई ना कोई आइडिया होगा। जो बेहतरी, जो हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो फार्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें अगर MSP फिक्स कर दें कानून बना के, तो हमारा आधा हाल हो जाए। तीसरा हमारी डिमांड ये है कि हम सरकार के हम भरोसा खो बैठे हैं, सरकार हमसे भरोसा खो बैठी है, तो हम चाहते हैं कि ये जो 3 काले कानून है इनको निरस्त किया जाए, क्योंकि उसमें कहते हैं संशोधन किया जाए। अरे जब एक पेज में मान लो आपकी 100 लाइनें हैं और उसमें 200 मिस्टेक हैं, तो वो लाइन दोबारा लिखनी पड़े बैठ रहेगा या उसी में कटिंग करते रहो कटिंग करते रहो? तो हमारा ये कहना है सिर्फ सरकार से, दो और भी बात कह रहे हैं, सिर्फ उसी में हमारा फैसला हो जाएगा। 3 जो काले कानून बनाए उसको निरस्त कर दें और उसके बाद खुले मन से बैठ जाए हमारे साथ और हमारे MSP पे कानून बढ़ा दें। हमें सरकार से और कुछ नहीं लेना देना, ना तो हमें सम्मान राशि चाहिए। चलिए अब प्रोफेसर वीरेन चौहान जी से मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी जवाब दीजिए, राजेश दहिया जी आज निराश हुए प्रधानमंत्री के संबोधन से? पहले तो राजेश दहिया जी को एक, अगर वो अपने आप को शिष्ट नागरिक मानते हैं, किसानों का प्रतिनिधि मानते हैं, तो क्षमा याचना करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को झूठा कहने के लिए। राजेश दहिया जी, आपके ज्ञान की अनेक बार इसी चैनल पर बखियां उधेड़ी जा चुकी हैं। आप किस तरह तथ्यहीन बातें करते हैं आपको मालूम है, आपको आज तक ये पता नहीं है। सुनिए अब जरा, बीच में मत बोलिए। आपको ये तक मालूम नहीं है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य इसी सरकार ने दिया है और आप प्रधानमंत्री को झूठ बोलने वाला करार दे रहे हैं? राजेश दहिया जी ये कह रहे, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए भाई, अभी जरा सुन लीजिए। अरे सुनिए जरा, हिम्मत रखिए। सुन रहा हूं मैं, हाँ सुनो, जरा ध्यान से सुनो, बताओ। राजेश दहिया ये कहते हैं कि किसान को खैरात नहीं चाहिए, और राजेश दहिया हर दिन इस चैनल पर किसानों के प्रतिनिधि बनकर आते हैं। राजेश दहिया इतने
इतने आप स्वाभिमानी हो और आपको ये जो किसानों को सम्मान निधि सरकार दे रही है आपको इतनी बुरी लगती है, तो क्या आपने वापस करी आज तक? अगर हम तो लेते नहीं है। अरे रुकिए ना, लेते नहीं है, झूठ बोलते हैं आप। या तो आप किसान नहीं हो, सुन लीजिए, या आप किसान नहीं है, आप किसान प्रतिनिधि है, एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। या तो आप किसानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है, किसान नहीं है, या फिर आप खाते में चुपचाप 6000 रुपए सालाना का जो ये धन आ रहा है इसको रख लेते हैं और यहाँ पर भाषण देते हैं कि किसान को इस सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिए राजेश दहिया, सुनिए, एक मिनट सुनो। राजेश दहिया को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राशि किसान को खैरात में नहीं मिल रही, ये किसान के सम्मान के लिए दी गई है और आज तक किसी सरकार ने नहीं दी थी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में एक बटन दबाने से 18 हजार करोड़ से ज्यादा राशि वो चली गई आज, और यहाँ पर एक आदमी जिसको ये नहीं पता किसान के हित में क्या है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री झूठ। आप भी कह रहे हैं ये स्तर सुधारिए ना, अपनी डिबेट का स्तर सुधार सकते हैं तो सुधारिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने किसानों की आजादी का रास्ता खोला है। आप कह रहे हैं कि किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं, किसान गुलाम मंडियों का बना हुआ था, किसान को मंडी से बाहर बेचने की आजादी किसान की आजादी का रास्ता है। मिस्टर दहिया, अगर आप किसान हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप शायद ना किसान हैं ना आपको किसानी से कोई लेना देना है। आपको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का भी शायद कायदे से पता नहीं होगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है, जिन चीजों की जानकारी नहीं है उनकी ठेकेदारी। ठीक है राजीव जी, आप अपनी आपत्ति को आराम से दर्ज करवा दीजिएगा, एक बार वीरेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाए। बजरंग दास जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, वीरेंद्र जी कंप्लीट करें। आप अपने ज्ञान की तरफ भी देख लीजिए, अपनी जानकारी की तरफ भी देख लीजिए, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। किसान कानून किसान को स्वतंत्रता देते हैं, एपीएमसी मार्केट से किसानों को एक और रास्ता मिलना चाहिए अपनी फसल बेचने का। ये किसान संगठनों की, अनेक किसान संगठनों की, महेंद्र सिंह टिकैत समेत अनेक बड़े किसान नेताओं ने समय समय पर मांग की कि मंडी में तो हम बेच ही रहे हैं, हमें मंडी से बाहर बेचने की भी छूट मिलनी चाहिए। हमने ये आजादी दी है, हम किसान को गुलाम नहीं बना रहे, ना हम ये ऐसा सोच सकते हैं। तो किसान को गुमराह करने का, किसान नेता बनकर के, फर्जी किसान नेता बनकर के, आपको कम से कम ऐसा षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। और अगर प्रोफेसर साहब, आप जो मुझे फर्जी कह रहे हो ना, ये अपनी लाइन भाई, पहले आप डिबेट प्रधानमंत्री को झूठा कहोगे, आप कुछ बोल देंगे, आप क्या करेंगे, 9000 चैनल पर बैठे हो, 9000 चैनल नहीं है, आप 9000 करोड़ किसानों के खाते में पैसा गया है, आप ये बैठो फर्जी बोल रहे हैं। अरे अगर किसान हो तो अपने खाते में लेकर बैठे हुए हो, किसके कारण जाती है हो मिस्टर दहिया, अगर किसान नहीं हो तो किसानों के नाम पर। राजेश जी देखिए, राजेश जी किसी के कहने से, देखिए किसी के कहने से किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ना। राजेश जी, आपके कहने से वीरेंद्र जी को कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या उनके कहने से आपके लिए कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी नहीं होगा। देखिए मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि मुद्दों पर रहिए। देखिए कोई लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप पर्सनल स्तर पर जाकर न करें, बिल्कुल सही बात है राजेश जी। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ देखिए इस पर आपत्ति करने का मुझे लगता है कि कोई 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 जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। आप जो हैं आप वही रहेंगे, इसलिए अगर कोई आपको कुछ कह रहा है आराम से उसको सुनिए, आप उसको बाद में करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे लगता है इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है कि आप कौन है, वीरेंद्र जी को भी पता है, चर्चा के दौरान चीजें होती, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें मर्यादा का। वीरेंद्र जी कंप्लीट करें, बजरंग दास जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को किसान कानूनों के बारे में भी पता नहीं वो लोग किसानों के नाम पर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हमें किसान कानून सिखाएंगे, किसानों के हित के कानूनों को झूठ बोलकर ऐसा डरावा दिखलाकर कि आपकी जमीन चली जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसे लोग राजनीति कर। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए ये बात ठीक है, चलिए आप राजेश जी के ऊपर आप कुछ भी आक्षेप लगाइए, लेकिन जो इतने किसान बैठे हैं भाई, एक महीने से आप लोग जो बात मुझे बता रहे हैं या हरियाणा की जनता को समझा रहे हैं वो किसान नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाना है आपको। बजरंग दास गर्ग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और बजरंग दास गर्ग जी, आप तो प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि आप लोग ने इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, आप लोग की सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए अब आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी जवाब दीजिए। जहां मुद्दे की बात है, आप आयु जी, सबसे मोटी बात एक है, जब देश और प्रदेश का किसान आड़ती नहीं चाहता,
ये तीन कृषि कानून देश में लागू हो, तो क्यों सरकार जबरन इस कानून को थोपना चाहती है? किसी भी किसान संगठन ने, व्यापारी संगठन ने इस कृषि कानून की मांग नहीं की। ये झूठ है बजरंग जी, बात यह है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसान संगठनों ने भी कहा था बजरंग जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कपिल सिब्बल के वीडियो चलिए गर्ग साहब से मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या, मेरा संपर्क टूट गया। पंजेटा साहब, मैं आपका कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। आज प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया और जो किसान नेता बात कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके से कोई हल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? मैं आयुष जी बता जाता हूँ, प्रधानमंत्री जी को मन की बात करने के बजाय प्रधानमंत्री तीन कृषि कानून को कमियां गिराने में लगे कि सरकार चलिए। पंजेटा जी एक सेकंड, मुझे लग रहा है बजरंगदास गर्ग जी कुछ कह रहे हैं, तकनीकी समस्या थी। प्रधानमंत्री पंजेटा जी, मैं आऊंगा आपके पास। तीन काले कृषि कानून देश की जनता पर, किसानों पर, आढ़तियों पर थोपे हैं, वो किसान और आर्थिक के हित में वापिस लेने चाहिए, ये जरूरी है। आप मन की बात करते हो, जनता की दिल की बात सुनते नहीं, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? ये कृषि कानून से बेअसासा महंगाई बढ़ जाएगी। आयुष जी, बेअसासा कृषि कानून लागू हो चुके हैं, कौन सी महंगाई बढ़ गई? बजरंग दास घर को सबसे ऊपर बात करनी चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 2 रुपए किलो आलू परचेज करके, 4 रुपए किलो टमाटर खरीद करके, 5 रुपए किलो प्याज खरीद कर, ये क्या करते हैं? 3300 रुपए से लेकर 700 रुपए किलो बेचते हैं, 10 गुना प्रॉफिट ठीक है। चलिए यही समझना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष बता रहा है कि भाई इसमें खामी ही खामी है, सत्ता पक्ष बता रहा है इसके फायदे ही फायदे हैं, किसान कह रहा है कि भाई इसको वापस ले लीजिए। समस्या ये है कि इसका हल निकलेगा कैसे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। पंजेटा जी, आपको कमेंट चाहूंगा मैं। ठीक है गर्ग साहब, देखिए पंजेटा जी आज प्रधानमंत्री के संबोधन को, खासतौर से किसान नेता भी जो बात आज यहाँ पर कह रहे हैं चर्चा के अंदर बैठ करके, क्या इससे कोई हल या समाधान की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? आयुष जी, देखिए प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था वो बार बार इसकी, जैसे शुरू से भाजपा वालों का भी यही रहा है कि हम इसकी अच्छाइयां बताएंगे। किसानों को भी जब इन्होंने बुलाया था बातचीत करने के लिए, ये बार बार एक ही चीज कह रहे थे, आइए बातचीत के लिए आइए, लेकिन हम आपको समझाएंगे कि इसकी अच्छाइयां क्या है। लेकिन अगर गहराइयों में जाया जाए और अगर इन एक्ट को पढ़ा जाए अच्छी तरह से, तो जो फार्मर प्रोड्यूस्ड वाला जो एक्ट है इनका, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन वाला, जो उसका एक सेक्शन 13 है सेक्शन, उसके बाद उसका जो सेक्शन 15 है, वो दोनों इतने खतरनाक हैं कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप उसमें कोई प्रोसिक्यूशन, उसमें एक इम्यूनिटी दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को एक इम्यूनिटी दे दी गई है, जहाँ के आप उनके कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर लीगल प्रोसीडिंग करना भी चाहिए, अगर जैसे कि सेक्शन 13 है, उसके बाद सेक्शन 15 उसको जैसे सिविल कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बाहर कर देता है। आप एक एसडीएम और डीसी के पास जाएंगे और अगर एक एसडीएम और डीसी अगर गलत ऑर्डर पास कर भी देता है, तो सेक्शन 13 उसको इम्यूनिटी दे देगा। आप अगर इसकी गहराइयों में, टेक्निकलिटी में जाएंगे, तो ये कानून जो है ये सिरे से ही इनके अंदर गलत है। अगर आप इसमें अमेंडमेंट करने जाएंगे, तो अगर आप एक हाउएवर कर करके एक पहले एक लाइन लिख दी गई है, उसके बाद उस लाइन का उसको डाइल्यूट करने के लिए कुछ और लिख दिया जाए, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। पहले तो इसको रद्द होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये भाजपा और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस इसको तब लाना चाहती थी, यानी कांग्रेस अगर गलत थी, तो आज आप उस गलत चीज को क्यों लागू करना चाहते हो? सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है। दूसरा, आप ये कहते हो कि एक स्टेट में ये कमी है, दूसरी स्टेट में ये कमी है, आप इनको रद्द कीजिए, नए सिरे से किसान आंदोलन, आप केरला के किसानों को भी बुलाइए, आप कश्मीर के किसान वालों को भी बुलाइए, आप हिमाचल के एप्पल वालों को भी बुलाइए, आप सबको बुलाइए। आप, मैं देखिए, जो जीएसटी का कानून आया था, सैकड़ों बार उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, उसके बाद सैकड़ों बार उसके अंदर नई नई चेंजेस आ चुकी है, उसमें खामियां थी। जीएसटी भी कांग्रेस लाना चाहती थी, लागू कर दिया भाजपा ने,
अगर आप चलो कांग्रेस लाना चाहती थी, मान लिया कांग्रेस इसको लाना चाहती थी, चलिए कुल मिलाकर के बिना रद्द किए इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, ये पंजेटा जी का कमेंट है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, अमित नेहरा जी भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित नेहरा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मुझे तो लगता है कि इन कानूनों को अब तो आप पूरा कंठस्थ कर चुके होंगे, समझ में आ गया होगा कि दरअसल एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। दो पक्ष समझ में आते हैं मोटे तौर पर जो दिख रहा है। सरकार कहती है कि ये फायदे का है, विपक्ष कह रहा है कि भाई इससे तो नुकसान ही नुकसान होने वाला है, किसान तो अपना ऐतराज जता ही रहा है। असल स्थिति है क्या, थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा और प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को भी जोड़ के बताइए कैसे देखते हैं आप। देखिए, ये स्पष्ट हो चुका है कि कृषि जो है वो केंद्र का विषय है ही नहीं, वो राज्य का विषय है और ये सभी प्रतिभागी इसको मान भी रहे होंगे। अब बात आती है कि कानून फिर केंद्र ने क्यों पास किए, तो इसका जवाब भी कुछ दिन पहले अपने को दिया गया था कि क्योंकि ये व्यापार से संबंधित कानून है तो ये इसलिए केंद्र ने पास किए। तो ये आप इनको पहले ही, तो बात ये है कि कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार कानून है। तो इसमें स्पष्ट सी बात ये है कि केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है वो एक इसको व्यापार के रूप में रहा, ना कि किसानों के हक में कुछ करने का रहा है इसका मामला, सीधा सीधा जो समझ में आता है। जिस तरह से भी पंजेटा जी ने बताया, जो सेक्शन बताए, वो सीधा सीधा ये है कि आप कोर्ट को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। कोर्ट की जो आस्था है लोगों में कि जहां पे न्याय होगा वहां जाने का अधिकार छीन रहे हैं। अभी आज ही छपी है दैनिक भास्कर में एक खबर, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के 70 लाख रुपए का जो जींस है, सामान है, जो दालें वगैरह है, कृषि उपज है, वो लेके फरार होगी कंपनी। तो इस तरह की चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। तो पहली बात तो ये है कि जो अपनी पीडीएस जो सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सरकार का, उसकी जो कमियां रही है पीछे, उनको दुरुस्त करके वो मजबूत किया जाना चाहिए था। सरकार खुद इस तरह की एक व्यवस्था बनाती वो सभी को साथ में लेके। अब क्या है कि जो अभी बात आएगी, वो जो बार बार मैं कहता हूँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसको हटाना, वो तो एक तरह से जो आम आदमी है, जो गरीब गुर्गा है, उसके लिए तो फांसी देने वाली बात हो जाएगी। भाई आप कम से कम एक सीलिंग तो लगाएं, कैप तो लगाएं। अभी तक 100 क्विंटल था मैक्सिमम आप खरीद सकता है कोई भी। अभी देखिए सरकार भी ये गलत बात कह रही है कि इससे पहले किसान अपनी उपज कहीं नहीं बेच सकता था, अपनी स्वतंत्र था, वो मंडियों से बाहर भी बेच सकता था, लेकिन उनपे थोड़ी सी कैप थी कि आप इतनी से ज्यादा नहीं बेच सकते, 100 क्विंटल से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते कोई भी। तो इन्होंने तो क्या किया, वो 100 क्विंटल की कैप हटाई है और इन्होंने कुछ नहीं किया इससे ज्यादा। इन्होंने मंडियों की आजादी नहीं दी है, बल्कि उद्योगपतियों को आजादी दी, आप कितना भी खरीद सकते हैं। अब बात आ जाती है CII की, जो कम्पिटिशन जो है ना प्रतिस्पर्ध, अरे भाई वो तो बाद की बात है। पहले सरकार ने क्या किया, क्या वो ध्यान में रखा, क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी बात ये है। फिर वो बात आ जाती है भाई, जिनके पहले, जिनके ऊपर पहले ही जो ब्लैक मार्केटिंग के जो लगे हुए हैं आरोप, क्या संशोधन से बात बन सकती है, या आप मानते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि इसको बैक करना होगा, नया बनाए जैसा चाह रहे हैं किसान, हल होगा क्या इसका? देखिए जो 6 दौर की बातचीत हुई थी किसान संगठनों की और कृषि मंत्री के बीच में, वो बड़ी सकारात्मकता की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे किसान संगठन, किसानों के जो प्रतिनिधि थे उनकी एक एक लाइन पे, एक एक शब्द पे बहस हो रही थी वहां पे, जो बैठे थे सरकार के प्रतिनिधि, कृषि मंत्री। तो अगर वो और आगे चलती तो पता चलता, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों जो 9 तारीख जो दी थी 9 दिसंबर को, वो बीच में हटा के वो क्या हुआ। अगर इस तरह की चीजें रोजाना चले और सार्वजनिक रूप से आए, वो उनका लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अगर दोनों पक्षों में अगर साफ गोई है तो उसको लाइव दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। पूरा देश देखे भाई कहाँ पे किसान गलत है, कहाँ पे सरकार गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन बंद कमरों में इस तरह की जो मीटिंग होती है उसमें कई बातें दबी रह जाती है और दोनों पक्ष वही बात पार लेके आते हैं जो उनके फेवर में होती है। चलिए, तो मतलब अमित जी आप इस बात को मान रहे हैं कि हल तो बातचीत से ही निकलेगा। ठीक है, राजेश दहिया जी, राजेश दहिया जी,
भाई देखिए एक बात ये भी कही गई कि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी, तो हल निकलेगा कैसे, समाधान का रास्ता क्या होगा? क्योंकि आप भी तो इसी बात को लेकर बैठे हैं ना कि भाई वापस नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं, कुछ हल नहीं है इसका, कैसे होगा? सर उसमें कमियां इतनी हैं कि उनको ठीक करते करते ही 6 महीने लग जाएंगे, तो उससे बेटर ये रहेगा कि उसको नए सिरे से बना दिया जाए, उसको निरस्त करने दिक्कत क्या है। अभी हमारे जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे किसानों की बात है, हम तो फैक्ट देके बोलते हैं कि सरकार जो है किसानों की अच्छी बात करती, तो हम तो सरकार का साथ देने वाले बंदे थे। सरकार को बनाया किसने? किसानों ने बनाया ना, नहीं मोदी साहब तो गुजरात में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना था कि हमें कुछ देश में मिलेगा, इन्होंने कहा था कुछ देंगे, हमें कुछ मिला ही नहीं। अभी कहते कानून की बात करते हैं, अब जैसे सरकार का ही कानून लगाए, सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक भूमि अधिग्रहण का मसला था जो कि 24 का कानून बनाया लोकसभा ने, लेकिन उसको हमारे अरुण मिश्रा जी के बेंच ने जो वहां का इंदौर का जो केस था उसको इंडस्ट्रियल को बेनिफिट देने के लिए उसमें संशोधन करके किसानों की जमीन को हड़प कर दिया, किसानों ने उनके खिलाफ ही पिटीशन दायर की, फिर भी वो बेंच से बाहर नहीं हुआ। और अब हमारे जो चीफ जस्टिस बोर्ड में साहब ने कहा है कि उसमें सरकार के साथ लिबर्टी दी गई है, उसको भी संशोधन नहीं किया गया। सरकार से जो हमारे किसान भाई हैं वो इतने डरे हुए हैं कि हमें इनसे अब डर लग गया कि ये क्या कर सकते हैं, जैसे वे कह रहे हैं कि वहाँ पोस्टर लगाते हैं। अरे भैया हम किसान आदमी हैं, हम हल चलाते हैं, खेत में काम करते हैं, अगर कोई गुंडागर्दी करता है या कोई छेड़खानी करता है तो दूसरी पार्टी ये करते होंगे या आपकी पार्टी ये करते होंगे, हमें उन पार्टी से कोई मतलब नहीं। किसानों के धरने पे या स्टेज पे किसी भी नेता को बोलने की इजाजत नहीं है, किसी भी नेता को जाने की इजाजत नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह आने की कोशिश की, उसको भी कहा गया जी आप बीजेपी से छोड़ के आ जाइए तो आपका सम्मान करेंगे। हमें किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जो फसल है उसका सही मूल्य हमें मिल जाए, समय पर मिल जाए, समय पर फसल खरीदी जाए और हमारे साथ कोई छल कपट ना हो, क्योंकि सरकार जो है छल कपट करती है। 2400 के कानून के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको ओके हो गया था, पार्लियामेंट ने ओके कर दिया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से 5 जज की बेंच बनाकर और अरुण मिश्रा के थ्रू एक इंदौर की इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देने के लिए उस कानून में बदलाव किया, जिसका की 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कितनी शर्म की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस आगे हमारी फेवर में बात करते हैं और अभी हमारे चीफ जस्टिस को फिर उसका दबाव बनाया गया है कि उसने संज्ञान लिया था कि वो अप्लाई करे, जो गवर्नमेंट है सबमिट करे रिपोर्ट और उसका संशोधन करे, लेकिन उसको भी खंडे बस्ते में डाल दिया। किसानों का सरकार से पूर्ण रूप से विश्वास खत्म हो चुका है। अगर सरकार विश्वास कराना चाहती हो तो पहले 3 कानून निरस्त कर दे, उसके बाद खुले मन से बात करे और जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा जो भी मीटिंग हो उसकी लाइव टेलीकास्ट दिखा दे। निष्पक्षता जरूरी है और पारदर्शिता भी जरूरी है ताकि पता चले, देश को भी पता चले कि दरअसल असल मुद्दे हैं क्या और किस बात पर सहमति नहीं बन पा रही है। वीरेन जी जवाब दीजिए। सीधा सपाट एक सवाल प्रधानमंत्री जी ने आज पूछा कि जब से ये कानून लागू हुए हैं, अब तो महीनों हो गए, पहले अध्यादेश थे फिर कानून थे, कोई एक मंडी देश में बंद हुई क्या? मैं इसमें एक प्रश्न जोड़ना चाहता हूं, किसी एक किसान की जमीन जबरदस्ती किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले व्यक्ति, कंपनी, फर्म या किसी तथाकथित पूंजीपति ने ले ली क्या? इन प्रश्नों के उत्तर आपको ना में मिलेंगे। हमारा ये कहना है कि पूरे का पूरा आंदोलन जो इन कानूनों के खिलाफ चल रहा है वो आशंकाओं पर आधारित है और किसानों की आशंकाओं, उनके प्रतिनिधियों की आशंकाओं को सरकार ने आमने सामने बैठकर सुना और जहां जहां जिस बिंदु पर आशंका थी उस बिंदु पर किसानों की संतुष्टि के लिए संशोधन की तैयारी भी प्रस्तुत की। उदाहरण के तौर पर पंजेटा जी ने कहा जो बात, वो बिंदु को छू करके मैं एक एग्जांपल के दे रहा हूं कि एसडीएम और डीसी से आगे जाने की विवाद की स्थिति में कानून में प्रावधान नहीं था। सरकार ने कहा कि हमने ये किसान का हित सोचकर किया था कि वो अदालतों के चक्रव्यूह में फंसकर, जैसे राम मंदिर का मामला 1948-49 से लेकर के 2020 तक अदालतों में अटका रहा, उस तरह के चक्रव्यूह में फंसे बगैर वो 30 दिन में एसडीएम के स्तर पर वहां पर वो मामला निपट जाए। लेकिन फिर भी एक मिनट बीच में ना बोलिए, इसके बावजूद सरकार ने कहा कि अगर किसान अदालत में जाने का अधिकार चाहते हैं तो हम वो संशोधन कर देंगे। किसान में की जमीन न जाने की गारंटी पहले से कानून में मौजूद है। ऐसे एक एक बिंदु सारे वहां पर कहे गए, लेकिन जो लीडरशिप है किसान आंदोलन की, उनमें से कुछ लोग, उनका बिल्कुल निहित एजेंडा है और उनको केवल और केवल वो कहते हैं कि ना हमको मोदी पसंद है, ना मोदी को मिला हुआ बहुमत पसंद है, उनका प्रजातंत्र में कतई कोई विश्वास नहीं है। और आज खुद ये कौन लोग हैं जो नाम किसान का लेते हैं और जेलों में बंद हिंसा के आरोपियों को छोड़ने की मांग करते हैं? ये प्रश्न तो वाजिब है। एक बात ये कि किसान का हित किस बात में है, इसको लेकर के मेरे में और राजेश दहिया जी में मान लीजिए मतभेद है।
मैं और पंजेटा जी अलग अलग राय रखते हैं, तो निर्णय डेमोक्रेटिक तरीके से होगा ना। देश का बहुसंख्यक किसान वो इन किसान कानूनों के पक्ष में खड़ा नजर आता है, एक वर्ग है वो विरोध कर रहा है, तो क्या ऐसा करना उचित होगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और उनके चेहरे जाने पहचाने हैं, वो वामपंथी लोग हैं, वो सोनिया गांधी की एनएसी में बैठने वाले योगेंद्र यादव हैं और इस तरह के करेक्टर के लोग हैं। हरियाणा से गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनकी पत्नी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती है और ये कहते हैं कि हम गैर राजनीतिक लोग हैं। हन्नान मोला कौन है बताइए जरा, कॉमरेड हन्नान मोला किस पार्टी के टिकट पर संसद में गए थे? तो इस तरह के लोग अपने निहित एजेंडे के साथ किसानों के हित को तारपीड़ो करते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, लेकिन अगर आपकी बात मैं मान भी लूं कि इन लोगों को कोई भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर रहा है या इनको भ्रमित किया जा रहा है, तब भी तो एक महीना बाहर हो गया इनको किसानों को सड़कों के ऊपर, और पिछले कई महीनों से ये लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। जब आप लोग को पता है इसकी इतनी खूबियां हैं, तो आप लोग इनको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? वो भ्रम भी तो टूटना चाहिए ना, वो टूट क्यों नहीं रहा? बहुत विनम्रता से मैं कहता हूं, और मैंने इस, ये तो बहुत बड़ा मसला है, देश पूरे देश के किसान इन्वॉल्व्ड हैं। जब एक गांव में एक गली को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है तो एक कुनबे में सहमति नहीं बनती, सर्वसम्मति नहीं बनती, समझाना मुश्किल हो जाता है, लोग अदालतों में भी जाते हैं। तो प्रजातंत्र में विवाद की सूरत में एक तरीका होता है संवाद, दूसरा होता है बहुमत की बात मानी जाए। ये मैं कानून सम्मत बात कह रहा हूं। अभी मेरे मित्र राजेश दहिया जी जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को हमने बनाया था, निश्चित रूप से देश की जनता ने जिसमें किसान भी हैं बनाया था, और कहते हैं उन्होंने के हस्ताक्षर से 1,10,000 करोड़ रुपए सीधे कैश किसान के खाते में गया, 4 आने 5 पैसे का भी भ्रष्टाचार हुए बगैर, उसको ये कहना कि कुछ नहीं दिया। जिस प्रधानमंत्री के आगमन के बाद कई साल से कांग्रेसियों द्वारा खूंटी पर टांग कर रखी गई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में से अधिकांश को लागू कर दिया गया, 1.5 गुना समर्थन मूल्य लागत के लागू कर दिया गया, उस प्रधानमंत्री के बारे में जब टेलीविजन चैनल पर कोई कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो स्पष्ट हो जाता है कि एजेंडा कुछ और है। आपको प्रधानमंत्री का चेहरा, उनके द्वारा किए गए काम, ये अच्छी नहीं, एजेंडा कुछ और है। बजरंगदास गर्ग जी, बजरंगदास गर्ग चुनाव लड़ लीजिएगा, जब चुनाव गर्ग जी एक एक करके, अब मैं कमेंट ले लेता हूं, समय थोड़ा सा कम है। इन तमाम विरोध करने वालों को पंचायती चुनावों में देश भर में नकारा गया है। आयु जी ठीक है, चलिए बजरंगदास गर्ग जी, मेरे साथी वीरेंद्र जी कह रहे हैं, एक तो इन्होंने कही भी किसान को एक मौका और दिया जा रहा है, मंडी के अलावा किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। का जिसके बाद मैं आपके ही पास, ये कानून तो शुरू से बात हो जाए कंप्लीट, कि किसान अपनी फसल कहीं भी कहीं फसल अपनी बेच सकता है, ये आज का कानून ही, ये पुराना कानून है। एक दूसरी बात कहते हैं मंडियां बंद नहीं होगी, मंडियां पर कोई आहत नहीं आएगी, जब सरकारी मंडियां सरकार ने बनाई हुई है, सरकार ने हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाया हुआ है, तो प्राइवेट मंडियां बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? बजरंग जी, आपको क्या मंडियां बनेगी? कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? कल आप कहेंगे कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए। वीरेंद्र जी मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आयु जी में चुप कराओ, ये प्रश्न का उत्तर जोड़ दीजिएगा कि क्या सरकारी स्कूलों के होते हुए जो प्राइवेट स्कूलों का होना उससे नुकसान हो रहा है आम आदमी का? बनेगी तो सरकारी मंडियां ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी। जब सरकारी मंडियां बंद होगी, किसान की फसल MSP दामों पर कौन खरीदेगा? ये हम खरीदेंगे साहब, हम खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी। कानून की बात करते हैं, ये अरे यार तेरे तारे पर टट्टू है, खरीदोगे तेरे पहले किसान उगाड़ दिए भाई, हमने तो सारे चलिए ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखें भाई। देखिए आप लोगों को मुझे क्यों टोकना पड़ता है, मेरी भी समझ से परे है, आप सभी इतने सम्मानित प्रवक्ता है, सीनियर प्रवक्ता है, और मुझे टोकना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग इस तरीके की शब्दावली का जब इस्तेमाल करते हैं। वीरेंद्र जी मैं आपकी आपत्ति को समझ सकता हूं, मैं इसीलिए बार बार सबसे अनुरोध कर रहा हूं, मेरा ये अनुरोध सबसे, चर्चा में बैठा हुआ एक एक शख्स थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखे, बाकी सब पब्लिक डोमेन में, सब देख रही है जनता।
उस पर हम बातचीत करेंगे। अगर तुमने पहले बातचीत चुड़ी की जब तीन किसी कानून बनाए उस टाइम आपने बात चुड़ी की है। आज 8 महीने हुए, 5 अप्रैल 2020 को ये अध्यादेश लेकर आए थे, 8 महीने से ऊपर हो गए, 1 महीने से किसान धरनों पे बैठा है, इनको सुनाई नहीं कर रहे। ये जबरन ये क्या आंदोलन को कमजोर करने के लिए किसानों को ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, झूठा मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए बजरंगदास गर्ज जी, देखिए अगर गलत है, सब गलत है, तो उसका जवाब भी जनता ही देगी। ठीक है, चलिए पंजेटा जी, ये आंदोलन कमजोर करने की बात करते हैं। पंजेटा जी आंदोलन चल रहा है लोकतंत्र में, हर एक व्यक्ति को अपनी बात। ठीक है, अब पंजेटा जी को सुन लेते हैं। गर्ग साहब, आपकी बात हो गई। पंजेटा जी, लाठी डंडे के जोर पर मतलब अपना दबाव बढ़ा चाहते हैं। पंजेटा जी, बजनदास गर्ग जी थोड़ा धैर्य रखें। पंजेटा जी, आयुष जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसको ना ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा बन के ना रह जाए। मेरा ये आग्रह है चौहान जी से भी कि चलिए किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, आपने चिडोली जी का नाम दिया, मान लिया चलो कोई किसी पॉलिटिकल उसके आउटफिट से वो रहता भी है। अगर आप इन काले कानूनों को, मैं इनको काले कानून क्यों कह रहा हूँ, काले नहीं है पंजेटा जी, जैसा आपकी स्वेटर का रंग है ना पीला गोल्डन, ये कानून गोल्डन है पंजेटा साहब आपके मुख्य। चलिए ठीक है पंजेटा जी, चौहान साहब और गर्ग साहब, भाई पंजेटा जी को सुन लेने, भाई इनको बोलने दीजिए। गर्ग साहब, मैंने पूरा मौका दे दिया आपको बोलने का, और चौहान जी को भी मैंने दिया, भाई पंजेटा जी को बोलने दीजिए। ठीक है बजनदास गर्ग जी, मुझे पता है आपकी आपत्तियां हैं, ठीक है आप सुन लीजिए। हाँ जी पंजेटा, इन्होंने ये कहा कि एक किसान बता दीजिए इन कानूनों के आने के बाद, चलिए मैं आपको आपके कहने से इनको काला नहीं कहता हूँ, इन कानूनों के आने के बाद एक किसान आप बता दीजिए जिसकी आय दुगनी हुई हो। अपने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागत का 1.5 गुना, लागत में आप 18 रुपए डीजल को आज आप 75-80 रुपए डीजल से कंपेयर कर सकते हो, कितना गुना बढ़ गया डीजल, 4 गुना। क्या आपने कभी ये सोचा कि उसमें C2 और FL का फॉर्मूला लागू किया आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर? क्या आपको पता है कि कंबाइन का खर्चा क्या आता है? क्या आपको पता है लेबर क्या बढ़ गई है? 1800 रुपए की सेम्प्रा की 30 ml की शिष्य आती है, कितनी लगती है? क्या आपको पता है कोरोना काल के अंदर लेबर कितनी महंगी हुई, 3 गुना होगी? आप ना ये आप जैसे आपको कोई पीछे से स्क्रिप्ट आती है वो पढ़ देते हो। आप किसान हो, आप भी, आप चाहे 3 एकड़ की खेती करते हो, आपको ये बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके साथ एक किसान नेता बैठे हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भैया जी आपको करेक्ट कर देंगे। दूसरा, आपने ये कहा कि कोर्ट में किसी किसान को दिक्कत ना हो, इसलिए आपने SCM को, आपको बात समझ में नहीं आई सेक्शन 13 क्या है, आप पढ़ के देखना, वो इतना घातक है कि उसके अंदर आप कॉर्पोरेट को सू नहीं कर सकते। आपने आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ साथ आपने कॉर्पोरेट्स को भी इम्यूनिटी दे दी। कॉर्पोरेट्स को आपने ये इम्यूनिटी दे दी कि उनको कोई फार्मर छोड़िए, उनको कोई PIL नहीं डाल सकता, उनके खिलाफ कोई NGO केस नहीं कर सकता, उत्तर दे दूं पंजेटा जी, उनके खिलाफ कोई किसान यूनियन केस नहीं कर सकती। आपको पता है कितने खतरनाक है ये इसमें सेक्शन अंदर जो लिखे हुए हैं पंजेटा जी, अगर उसको सेक्शन 13 है तो दूसरा सेक्शन उसको कवर कर देता है। ये कानून इसलिए वापस होने चाहिए कि इसके अंदर अंदर ही अंदर इतनी खामियां हैं कि अगर आप इसमें अमेंडमेंट करने जाओगे तो दूसरा सेक्शन उसको कवर कर देगा। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे आप ये जो बड़े बड़े उद्योग गिराने अंबानी अडानी, आप उसको पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हो ताकि वो अपना बिजनेस आराम से कर सके। आप नहीं जा रहे डिटेल के अंदर, आप बात भी नहीं करना चाह रहे उस तरह, आप सिर्फ गुणगान कर रहे हैं कि ये हो गया, हमने इतनी खरीद कर ली। आप ये देखिए जब से उस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में क्या प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, क्या किसान ने मेहनत करके, आप कहते हो आपने ज्यादा खरीद करी है, खरीद आपने दो करी है, किसान ने अन्न ज्यादा पैदा किया है। दूसरा आप ये कहते हो, दूसरा आप ये कहते हो कि APMC मंडियां है। चले बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा, बहुत जल्दी से। ठीक है वीरेन जी, ई नाम के ऊपर अच्छा अच्छा अडानी अंबानी पे ही जाके केंद्रित हो जाती है, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ही सबसे सगी है अडानी अंबानी की, और ये 6 साल में ही बन गए, इसे 6 साल में अडानी अंबानी इस देश के अंदर बने। ठीक है चलिए एक सेकंड, अब ठीक है पंजेटा जी मैं जवाब ले लेता हूँ, एक एक फाइनल कमेंट लूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। वीरेन जी बहुत शार्प जवाब दीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। पंजेटा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छे से जानते हैं
कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ये आज पैदा नहीं हुए, ये पूंजीपति या बड़े कारोबारी इस देश में पहले भी रहे हैं, और सुन लीजिए, प्लीज प्लीज सुन लीजिए, ये पहले से भी रहे हैं और ये इस देश के सम्मानित लोग हैं। इनको आप एक सिरे से जो है लुटेरा जब घोषित करते हैं तो आपके मन पर सवाल खड़ा होता है। एक मिनट, एक मिनट, अरे मेरे, मुझे कहने तो दीजिए, मुझे आप ये बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं बजरंग दास गर्ग को ये सुनना पड़ेगा कि मैं और हमारी सरकार और ये कानून गांव के किसान को कारोबारी बनाना चाहते हैं, आप उसको मंडी का गुलाम रखना चाहते हो। हम ये चाहते हैं कि मेरे गांव सुंदर से, मैं इस समय सालवन गांव में बैठा हूं करनाला जिले के, सालवन गांव ठीक है, चलिए दैया साहब, दैया साहब, दैया साहब, हल कैसे होगा, हल कैसे होगा, बस अब इस पर आ जाते हैं क्योंकि समय नहीं है, यारों प्रत्यारोप से बाहर आ जाते हैं। भैया साहब, और हिसार जिले के और सिरसा जिले के किसान वो कारोबारी बने, इस रास्ते जिनको दर्द है वो चलिए अब इसी आरोप प्रत्यारोप के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी क्योंकि समय के मेरे पास बहुत कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से किसानों से शुरू हुई जो चर्चा है वो कैसे राजनीति के फेर में फंसती है, और शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि किसान लगातार एक महीने से बैठा हुआ है लेकिन समाधान की ओर बढ़ते हुए कदम अभी तक नजर आ नहीं रहे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।